Hello learners, welcome to IS Marathon. And guys, I am back with a new lesson. Guys, this is the Lakshmikant का हम जो first chapter देख रहे हैं, ठीक है? नई वाली Lakshmikant 6th edition, उसके according historical backgrounds, है ना? तो उसमें हमने दो lessons अब तक कर लिए, दो parts हो चुके हैं अब तक, right? एक तो हमारा हो चुका है company rule है, एक दूसरा हमारा crown rule, ठीक है? तो इसके अंदर अब हम देखेंगे, last lesson में मैंने आपको government of India act 1919 तक पढ़ा दिया था, अब हम साइमन कमीशन, यस साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे. अब साइमन कमीशन क्या है, बेसिकली हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार जाकर के देखना, इतनी अच्छी तरीके से बताया आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है? लेकिन हम यह लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है? तो 1927 में नवंबर में क्या होता, या नवंबर इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखना अगले ही कुछ महीनों में, अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ही पार्लियामेंट यानी कि असेंबली में बम फूटने वाले हैं, ठीक है? असेंबली में बम फूटने वाले हैं, और वो कौन फोड़ेगा, वो फोड़ेंगे हमारे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि 7 मेंबर्स स्टेट्यूटरी कमीशन है. वैसे इस शेड्यूल के 2 साल पहले आ चुका था, इनको आना था कब, 1929 में, लेकिन ये आए कब, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमने पढ़ा 1909, ठीक है, उसके बाद 1919, तो उस हिसाब से तो इसको 1929 में आना चाहिए था. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो मैंने आपको हिस्ट्री वाली सीरीज में बताया, ठीक है, उस वहाँ पर जाकर देखना, यहाँ पर इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको बता दूंगा मैं, ठीक. नेक्स्ट है आपका कि जितने भी मेंबर्स थे इसके अंदर, ऑल मेंबर्स आर आपके कौन, ब्रिटिश, इसलिए इंडियन जितनी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया, है ना, और इसका विरोध किया गया बहुत जगहों पर, जैसे कि हमारे लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन के इंडिया में पैर रखते ही रेलवे स्टेशन से ही मूवमेंट करना, ठीक है, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, साइमन गो बैक का, ठीक है, आपको पता है सब. और उसी के अंदर एक सॉन्डर्स और साइमन, सॉन्डर्स करके एक पुलिस वाला था, उसने ही जो अपने सीनियर के साथ मिलके लाला लाजपत राय पे लाठियों से वार करके उनको जख्मी किया था, जिसी के कारण उनका आगे जाकर के डेथ हो चुका था. और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे सुखदेव, इन्होंने मिलकर के प्लान बनाया और इन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया आगे जाके, ठीक है, यस. तो हम वो सब बातें कर चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिकली प्रोविजंस क्या हैं इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने 1930 में अपना रिपोर्ट दिया और इसका इसके रिकमेंडेशन थे कि जो डायर्ची अभी तक चली हुई आ रही है वो ख़त्म की जाए, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस में चल रही है ना, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उसको एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद एक फेडरेशन बनाएंगे ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में, उसके अलावा कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट जो अभी तक इन्होंने दिए मुस्लिम्स को वो उनको कंटिन्यू रखेंगे. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी के इस कमीशन के रिपोर्ट के और प्रपोजल्स को, ठीक है, रिव्यू करने के लिए, कंसीडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बनाया, ठीक है, ताकि क्या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, वो आएँ और यहाँ पे इनको कंसीडर करें, ठीक है. तो फिर यहाँ से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, डिस्कशंस के बाद, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया, इनको प्रिपेयर किया गया, सबमिट किया गया जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि वो इनको देखें, और रिकमेंडेशन जो थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, कुछ चेंजेस जरूर किए गए, सब मांगे नहीं मानी गई है इस जॉइंट कमेटी के अंदर, ठीक है. अब जो इंडियन एक्ट आएगा, इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंदर इन प्रोविजंस को लाया गया, ठीक है, और वो हम देखेंगे जब इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पढ़ेंगे. अब यहाँ पर बात करेंगे एक कम्युनल अवार्ड की, बेसिकली इस बीच 1932 में क्या हुआ, रामजी मैकडोनल्ड कुछ याद आया आपको, चलो ठीक है, देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, और वो कैसे देंगे, थ्रू रिजर्वेशन, हाँ, उसको कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा, तो इसी को कहा गया. अब इस अवार्ड में क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, जो मुस्लिम सिख्स और जो इंडियन क्रिश्चियन हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, जो इंडिया में रह रहे थे, उनके अलावा इसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लास तक, हाँ, डिप्रेस्ड क्लास जो SC ST थे उस टाइम पे, SC स्पेशली उनको दिया गया. गांधी जी इससे नाराज़ हो गए, उन्होंने आमरण आंदोलन स्टार्ट कर दिया, भूख हड़ताल कर दी येरावड़ा जेल कहाँ पर थे आपके, पूना में. अब यहाँ पर बात आती है आपका पूना पैक्ट की. पूना पैक्ट किसके बीच में होता है, बेसिकली अम्बेडकर
और उनके जो अदर लीडर्स थे डिप्रेस क्लास के, उनके और गांधी जी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मंजूरी हुई थी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही जो है ये इलेक्टोरेट रखे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एग्रीमेंट हो गया, तो इंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रह गए, उनको रिटेन किया गया, और इन्होंने कुछ रिजर्व कर दी डिप्रेस क्लासेस के लिए। गांधी जी ने कहा कि ये जो है वो डिवाइड लाएगा इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन हिंदू सोसाइटी है उसके बीच में। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है इतनी सीट्स, एक नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर देंगे डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर इफेक्ट हो चुका था। अब उसके बाद आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक हमने पढ़ा जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर, ठीक है, जिसने इम्पैक्ट किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब इसके अंदर 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, है ना, 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। तो अब इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, पहला जो प्रोविज़न है वो इसका ये है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी जिसके अंदर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट काम करेगी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कभी बनाई नहीं गई है ना, बस नाम के लिए ही था एक्ट के अंदर। तो उसके अलावा इसके अंदर क्या था कि तीन लिस्ट बनाई गई जिनके अंदर पावर्स डाले गए कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जो कि उस टाइम पे यूनिट्स बोला जाता था, सेंटर और इसकी यूनिट्स के बीच में, प्रोविंस के बीच में डिवाइड की जाएगी। तो पहली थी फेडरल लिस्ट जिसके अंदर 59 आइटम्स थे, सेंटर देखेगा इसको। सेकंड है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, 54 आइटम्स थे। और लास्ट है आपके कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसपे दोनों बना सकते थे, 36 आइटम्स। रेसिड्यूरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी में नहीं लेकिन दूसरे एग्जाम्स में तो आ ही सकता है वाला, कि रेसिड्यूरी पावर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके अंदर थी, वायसराय के पास था, ठीक है। ये फेडरेशन कभी बनाई नहीं और प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इनको ज्वाइन किया ही नहीं। नेक्स्ट है आपका कि सेकेंड प्रोविजन कि इन्होंने डायार्ची जो प्रोविंसेस में थी, डायार्ची जो प्रोविंसेस में थी, चलो मुझे बताओ डायार्ची में मतलब कौन कौन से यहाँ पे किन किन दो सेंट्रल पावर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताना। इसके बाद इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनोमी यहाँ पर लेकर के आए, क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में वो आए, है ना। और इसके अलावा कि जो गवर्नर था अब उसको मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना था, जो किसको रिस्पॉन्सिबल थे, लेजिस्लेचर को, है ना। तो अब ये 1937 में इफेक्ट में आया लेकिन वापस से सिस्टम को हटा दिया गया 1939 में, और ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है इसका, कि सेंटर सेंटर में आपकी डायार्ची आ जाएगी, ठीक है। सेंटर में तो डायार्ची सिस्टम यानी कि दो हाउसेज रहेंगे, है ना। अब इसके अलावा फेडरल सब्जेक्ट जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वाला प्रोविज़न कभी ऑपरेशन में आया ही नहीं, ठीक है, बस ये याद रखना कि दो सब्जेक्ट्स, दो इनको डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट है आपका कि बाइकैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 6 प्रोविंसेस में, ठीक है, आउट ऑफ 11, जैसे कि आपका बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी, जहाँ पर बाइकैमरल थी, जहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी थे इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो अब तक बढ़ता ही आ रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है, डिप्रेस क्लास, वुमेन, लेबर, यहाँ तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा काउंसिल ऑफ इंडिया जो अब इन्होंने बनाई थी उसको अबोलिश कर दिया गया, है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनाया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को प्रोवाइड किया गया विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट को एक्सटेंड कर दिया गया, और इस टाइम पे 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10% टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था, है ना। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनाया ही गया, उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया फॉर टू और मोर प्रोविंसेस, यानी कि अगर एक प्रोविंसेस में हम पब्लिक सर्विस नहीं ला सकते तो जॉइंटली हम वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन ला सकें, ठीक है। अब इन्होंने एक मतलब फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, ठीक है, विच वॉज सेटअप इन 1937 में जाकर के बना फिर वो। अब आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ
1947, जिसके बाद उनको जाकर के आज़ादी मिली। अब देखो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 को हम जो है भारत से अपना शासन हटा लेंगे और रिस्पॉन्सिबल इंडियंस को उनको पावर्स ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये कहते हैं बेसिकली, ये अनाउंसमेंट के बाद ही एजिटेशन करने लगे मुस्लिम लीग की, हमको पार्टीशन चाहिए बेसिकली। तो जून 3, रिमेंबर दिस डेट, जून 3 1947, अभी हम जून 30 की बात कर रहे थे, ठीक है, इसी महीने में जून 3 को लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक अनाउंसमेंट किया रेडियो पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऑफ इंडिया बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, है ना, जो कि इन्होंने 1946 में बना ली थी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो उनका जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ वहीं पर ही एक्सेप्ट अप्लाई होगा जहाँ पर लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पर नहीं जहाँ कंट्री का उस पार्ट में ये अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर लोग इसको अपनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इसी दिन 3 जून 1947 को ही इन्होंने क्या करा, पार्टीशन प्लान, है ना, भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और इसको माउंट बेटन प्लान बोला गया, माउंट बेटन प्लान बोला गया। दोनों ने ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो है यहाँ पर इफेक्ट आ गया, इनेक्ट किया गया। अब गवर्नमेंट और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या था, सबसे पहले इन्होंने जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा था उसको एंड किया, और इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया फ्रॉम अगस्त 15 1947, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया किया, और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाने बनाने को अलाउ किया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। उनका राइट भी था कि ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, बेसिकली कॉमनवेल्थ क्या है, ऐसे कंट्रीज जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहा करते थे, ठीक है, आज भी है ये, और इंडिया इज़ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। तो इन्होंने बेसिकली डोमिनियन क्यों बोला गया इनको, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिपेंडेंट नेशंस क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि डोमिनियन इसलिए बोला गया था कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे इनके अपने अपने, है ना। तो जब हमारे पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन बोलेंगे अपने आप को। सो इट अबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसरॉय, है ना, वायसरॉय को हटा दिया गया उस, लेकिन इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को लेकर के आ गई है ना। और गवर्नर जनरल को कौन बेसिकली अपॉइंट करेगा, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा ब्रिटिश किंग, और किसकी एडवाइस पर, जो कि डोमिनियन की कैबिनेट है उसकी एडवाइस पर, है ना। अब इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट की या ब्रिटिश किंग की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी इसके बाद से, ये भी इन्होंने इसके अंदर बोला गया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनको एम्पावर किया गया कि वो जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और ब्रिटिश के बनाए गए कोई भी एक्ट के अंदर, कोई भी लॉ के अंदर चेंजेस कर सके, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी कर सके, जो 1947 वाला एक्ट है। 15 अगस्त के बाद जितने भी एक्ट आए हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वो जब तक एक्सटेंड नहीं होंगे इन डोमिनियंस में, जब तक कि ये लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इनको पास नहीं कर देंगी, है ना, और एक्सटेंड नहीं कर देती। नेक्स्ट है आपका कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस जो है उसको अबोलिश कर दिया गया, है ना, और उसके जो फंक्शंस हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट पॉइंट है ना। इसके अलावा ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को लैप्स कर दिया गया, और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ से भी। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने फ्रीडम दिया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, बहुत बड़ा जो है धोखा ये। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ तो थे नहीं हमारे खुद के, तो इन्होंने क्या करा कि गवर्नेंस जो है, अब जबकि वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक चलाया, जब तक आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है, और वो किसी भी एक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और इस वाले एक्ट के अंदर भी। अब इसने जो ब्रिटिश मोनार्क था, ब्रिटिश किंग था, उनका जो वीटो करने का पावर था हर बिल पर, हर एक्ट पर, और जो बिल रिजर्व कर लेते थे इनके लिए, वो हटा दिया गया, है ना, अब वो नहीं रहेगा, ब्रिटिश मोनार्क का अप्रूवल नहीं चाहिए हमको, लेकिन गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व करने का इन्होंने क्या किया था, डिसाइड, ठीक है। अब गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंड टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। 11th प्रोविज़न है इसका कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो बेसिकली और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, है ना, कि अब ये जो है मतलब नॉमिनल रहेंगे, जैसे कि आज प्रेसिडेंट है, कि मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही काम करेंगे, है ना। अब इसके अलावा इन्होंने इंडिया एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल
को ड्रॉप किया और जो इनका टाइटल, क्योंकि किंग ऑफ इंग्लैंड में ही एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल भी इंक्लूड था। सिविल सर्विसेज, यस। अब इसमें क्या था कि 15 अगस्त के पहले जो सिविल सर्विसेज इन्होंने मतलब बनाई गई, अपॉइंट किया गया, ठीक है, वो तो अपने इन्जॉय करेंगे पूरे बेनिफिट्स, लेकिन अब जो है आगे अपॉइंटमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसके अंदर, और रिजर्वेशन भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताया 14-15 की रात को 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, दो डोमिनियन बन चुके थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि बाउंड्री कमीशन बनाया गया बेसिकली, इन दोनों की क्या क्या टेरिटरी रहेगी उसके लिए बाउंड्री कमीशन, ठीक है, बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसको हेड किया था किसने, रेडक्लिफ ने, ठीक है, रेडक्लिफ ने। अब पाकिस्तान के अंदर कौन से प्रोविंसेस थे, जैसे कि वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और एक और था आसाम के अंदर सिलेट, याद रखना उस टाइम पे दो बने थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, है ना। तो अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलेट थे ना, वहाँ पर रिफरेंडम कराया गया था, रिफरेंडम यानी कि वहाँ के लोगों से पूछा गया था। तो अब क्या हुआ, वो रिफरेंडम गया पाकिस्तान के पक्ष में, इसलिए ये जो चीज़, ये जो जगह थी वो गया कहाँ पर, पाकिस्तान के पास। अब आपको पता है कि जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, वही पार्लियामेंट भी बन गई थी हमारे इंडियन डोमिनियन के अंदर, मोर और लेस जितने भी मेंबर थे वही थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे। तो अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर, तो उन्होंने, ठीक है, तो उसका ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस किस के पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज आए थे, है ना। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम ऑन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, है ना। ये सब आप यहाँ पर देख लेना, बहुत फैक्चुअल है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब ये जो मेंबर्स थे ना इंटरिम गवर्नमेंट के, ये सब मेंबर थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, है ना। तो वाइसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल, बट जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अब 1947 में क्या हुआ, पहली कैबिनेट बनी 1947 में, जिसमें जिसको हेड किसने किया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस था मिनिस्टर थे, और आपके साइंटिफिक रिसर्च से भी थे। इनके पोर्टफोलियोज हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री और स्टेट्स, ये सब ये देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, है ना। तो इस तरीके से आप ये सब जितने भी पोर्टफोलियोज है वो सब याद रख लेना। तो ओनली लेडी कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, जिनको हेल्थ का पोर्टफोलियो दिया गया था। तो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। अगले लेसन में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि क्या क्या डिमांड रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ी है, बहुत लेंदी, बहुत वर्दी भी है, लेकिन ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, आपको बातें बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग सी, है ना। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ना, कौन कौन से फंक्शंस थे, इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चेंज किया गया जो 1947 का था, वो सब हम अगले लेसन में देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आर इनिशिएटिव। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करना ग्रुप्स में, हर जगह लोगों को बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।